हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस हेल्दी बेसन का चीला शेयर करने जा रही हूँ। जब भी मैं डाइट पे होती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस फाइंड करती हूँ कि जो मुझे टेस्टी भी लगे और लगे भी ना कि आप डाइटिंग पे हैं, तो ये वन ऑफ दैट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, डिनर में, लंच में, एनी टाइम आप इसे ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही यमी बनने वाला है। मैंने बहुत तरीके से चीला ट्राई किया है, रेसिपीज़ देख देख के, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा बीच में छोड़ देती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कि थोड़ा सा मैंने अपनी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा, जितना आपको चीला बनाना है उतना बेसन लें। उसके बाद उसमें थोड़ा योगर्ट ऐड करें, एंड देन यहाँ पे मैंने क्रश की हुई कैरेट्स हैं, टमाटो है, थोड़ा कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड देन आई एम एडिंग सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ। तो वेजिटेबल्स में यहाँ पे ये जो मेरे पास था मैंने अभी वही डाला। अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टर्मरिक और रेड चिल्ली पाउडर। वैसे यही सब इन्ग्रीडियंट्स हैं जो इसमें जाएंगे और हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। नाउ मिक्स इट वेल। और हमें यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करना है, जितना कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी से बैटर रेडी हो जाए चीला बनाने के लिए। बहुत पतला नहीं करना है और बहुत थिक भी नहीं रखना है, मीडियम सा। आप यहाँ पे छोटे छोटे कैप्सिकम एंड अनियन भी कट करके ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। लेकिन अभी मेरे पास जो था मैंने वही यूज़ किया है। तो हमें जो है इसे बनाना है नॉन स्टिक पे, बिकॉज़ नॉन स्टिक पे पहली बात के आपको तेल कम लगेगा और आपका चीला बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप तवे पे बनाएंगे तो आपको ऑयल उसमें ज़्यादा यूज़ होगा। और यहाँ पे कोशिश करें ऑलिव ऑयल यूज़ करें। अगर आप थोड़ा हेल्दी चीला चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये मेरा चीला, मैं जो है, आप इसको थोड़ा सा और कुक कर सक, लेकिन मुझे बिल्कुल सॉफ्ट सा पसंद है तो इसको मैं बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है। और क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया तो उसकी वजह से ये देखिए कि फूल भी रहा है, इतना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारा चीला है। नॉर्मली अगर आप जस्ट पानी ऐड करके ऐसे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कैसे चीला बनाते हैं। अगर मैं जैसे बना रही हूँ आपने सेम तरीके से खाया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थोड़ा पहला चीला ऐसा बना था लेकिन टेस्ट में इट वाज स्टिल यमी, एंड ये मेरा दूसरा चीला जो कि परफेक्ट बना। एंड हियर आई गो, मैं इसको समटाइम ग्रीन चटनी के साथ भी ले लेती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और जस्ट अदरवाइज़ आप अपनी चाय के साथ इनसे इंजॉय करें। एक बार ज़रूर ऐसे चीला बना के खाएं, ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये बहुत ही हेल्दी है, तो साथ के साथ टेस्टी और हेल्दी आपकी डाइट में बहुत हेल्प करेगा। एंड तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।